तो फ्रेंड्स, नीटिंग ट्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए जो पैटर्न लाई हूँ ये कार्डिगन के लिए है। इसमें एक केबल भी है और इसमें ये बीच में मैंने जाली डिजाइन दिया है। देखिए, दो डिजाइन को मिला के हमने ये एक डिजाइन बनाया है। छह फंदों की ये केबल है, जो ये केबल का डिजाइन है बीच में इतना, ये छह फंदों का है। तीन तीन फंदों का ये दोनों साइडों में जाली का डिजाइन है। ये सिक्स और थ्री, ये सिक्स थ्री नाइन फंदों का ये डिजाइन हो जाता है। नाइन के मल्टीपल फंदे डालेंगे आप और प्लस थ्री करेंगे इसमें। इधर की साइड में भी आप ये जाली डिजाइन डालेंगे, नाइन के मल्टीपल फंदे डाल के आप इसमें थ्री प्लस करेंगे, और प्लस दोनों साइडों में जो एक एक फंदा या दो दो फंदा जो भी आप एक्स्ट्रा रखना चाहें वो एक्स्ट्रा रखेंगे। नीटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, इसमें मैंने ये नाइन फंदे डिजाइन के प्लस थ्री फंदे और प्लस फोर फंदे लिए हैं मैंने, दो फंदे इस तरफ और दो फंदे इस तरफ एक्स्ट्रा रखने के लिए। सबसे पहले हम ये दो फंदे जो एक्स्ट्रा हैं वो बुन देंगे। धागा आगे लेंगे, तीन फंदों का एक फंदा करेंगे और ये धागा आगे ही रखेंगे। जाली बनाते हुए हमें ये तीन फंदों का एक फंदा करना है। ये दो फंदे हमारे यहाँ घट गए, एक ये जाली से बढ़ेगा। उसके बाद फिर धागा आगे लेंगे और दो फंदे सीधे बुन देंगे। ये हमारे केबल के फंदे हैं जो हमने दो फंदे बुने। अब हम चार फंदे और बचते हैं केबल के, इनको हम पलटेंगे। ये देखिए कैसे ट्विस्ट करेंगे हम इनको। पिछले वाले दो फंदे हमने ऐसे सिलाई पे लेने हैं। अब हम ये चारों फंदे सिलाई पर से निकालेंगे और पहले ये वाले दो फंदे ले लेंगे। ऐसे आगे लेंगे, और ये चारों फंदे सीधे बुन देंगे हम। ये हमारी केबल बननी शुरू हो गई यहां पर, ये देखिए। उसके बाद धागा आगे लेंगे, तीन फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, फिर धागा आगे लेंगे और ये दो एक्स्ट्रा फंदे हम बुन देंगे। और उल्टी सिलाई हमें इस डिजाइन की, ये देखिए, रॉन्ग साइड हमें पूरी सादी बुननी है, इसमें कोई डिजाइन नहीं बनेगा। हर बार हमें उल्टी सिलाई सादी ही बनानी है। एक बार मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से हमें ये जाली के फंदे भी बुनते हुए और जो केबल के फंदे हैं वो भी बुनेंगे और पूरी सिलाई हम ये सादी बना लेंगे। देखिए, ये एक सिलाई, दो सिलाई हो गई हमारी इस डिजाइन की। अब हम फिर से आगे बुनेंगे। इस बार हम ये यहाँ जाली भी नहीं बनाएंगे और हम ये तीन फंदों का एक फंदा भी नहीं करेंगे। ये तीनों फंदे हमें सादे बनाने हैं इस तरह से। और जो हमारे ये केबल के फंदे हैं, पहले हमने दो फंदे सीधे बुनने के बाद, उसके बाद ये चार फंदे पलटे थे हमने, दो फंदे इस तरह से उधर किए थे। अब की बार हम ये उधर के दो फंदे छोड़ देंगे और ये वाले जो दो फंदे हैं इनके ऊपर से हम इन दो फंदों को लेंगे इस तरह से। ये चारों फंदे हम सीधे बुन देंगे। उसके बाद ये दो फंदे जो बचते हैं ये भी हम सीधे बुन देंगे। ये वाली जब हमने केबल शुरू में पलटी तो हमने दो फंदे सीधे बुन के उसके बाद ये केबल इधर ट्विस्ट की, और अब की बार हमने पहले केबल ट्विस्ट करके उसके बाद दो फंदे ये बुने। उसके बाद हम ये तीन फंदे ऐसे ही बुन देंगे। इस बार हम इसमें जाली नहीं बनाएंगे। उल्टी सिलाई इस बार भी हम सादी बनाएंगे। देखिए, अब हम इसमें दो फंदे जो एक्स्ट्रा हैं वो तो सीधे ही बुन लेंगे। इस बार हम यहाँ पर जाली बनाएंगे। हर बार हमें यही करना है, एक बार हमें जाली बनानी है सीधी सिलाई में और अगली बार हम इसको ऐसे ही बुनेंगे, तीन के तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए,
लेकिन जब हम जाली बनाएंगे तो हम तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर धागा आगे लेंगे और इस बार जो ये केबल के छह फंदे हैं, ये छह के छह फंदे हम सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा हम ये इसी तरह से बुनेंगे धागा आगे लेके और छह फंदे सीधे बुनेंगे। इस बार हम इसमें फंदे ट्विस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये हमने छह फंदे बुन लिए। अब हम धागा आगे लेंगे, तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर धागा आगे लेंगे और दो फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए अब उल्टी सिलाई हम ये सादी बना लेंगे। देखिए ये अब हमने उल्टी सिलाई सादी बना ली। इस बार हमने यहाँ पर जाली बनाई तो अब की बार हम ये तीनों फंदे ऐसे ही बुन देंगे सीधे। दो फंदे जो शुरू के एक्स्ट्रा वो बुन दिए हमने, तीन फंदे, ये पांच फंदे हम बनाने के बाद अब ये केबल का डिजाइन आएगा। दो बार हमने ये फंदे इस तरफ से उस तरफ पलटे, पहले यहाँ से यहाँ लिए और यहाँ से यहाँ लिए, ये हो गया। अब हमें इनको इस तरफ लेके जाना है तो हम पीछे की तरफ से बुनेंगे इसको। ये देखिए यहाँ से हम ये दो फंदे लेंगे सिलाई में, पहले दो फंदे छोड़ के दूसरे दो फंदे हमने सिलाई में लेने हैं और उसके बाद हमें ये चारों फंदे सिलाई से निकालेंगे। पहले ये वाले दो फंदे सिलाई में ले लेंगे और फिर ये दो फंदे, उसके बाद हम ये चारों फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए अभी हमें ये इस तरफ से घूमने शुरू हो गई, उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे। अगली बार हमें ये पहले दो फंदे बुन के और फिर ये इनके इन फंदों के ऊपर हम इसको पलटेंगे और ये तीन फंदे जाली वाले इस बार ऐसे ही बुने जाएंगे। देखिए अब उल्टी सिलाई हम ये सादी बना लेंगे। ये देखिए ये अब हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम फिर से इसमें जाली बनाएंगे। यहाँ पिछली बार हमने ये सादे बना लिए तीन फंदे, अब हमें इसमें जाली बनानी है। जाली के लिए हम धागा आगे लेंगे और तीन फंदों का एक फंदा करते हुए हम ये पीछे की तरफ बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये दो फंदे हमारे की केबल के छह फंदों में से दो फंदे हैं। अब ये वाले चार फंदों के ऊपर हम ये केबल बनेगी, पीछे की तरफ से लेंगे दो फंदे, चारों फंदे सिलाई से निकालेंगे। पहले ये वाले दो फंदे लेंगे, फिर ये वाले दो फंदे लेंगे और चारों फंदे सीधे बुन देंगे। अब यहाँ पर हम ये जाली बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, तीन फंदों का एक फंदा करते हुए धागा आगे लेंगे और ये दो फंदे सीधे बुन देंगे और इसकी हम ये अब उल्टी सिलाई सादी बना लेंगे। ये देखिए ये अब हमारा डिजाइन पूरा हो चुका है। अभी हमें इसमें दो सिलाई सादी और बनानी है, उसके बाद हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस बार हम ये केबल भी नहीं बनाएंगे और ये जाली भी नहीं बनाएंगे। ये वाली सीधी सिलाई भी हमें पूरी सीधी बुननी है और उल्टी सिलाई भी हम पूरी उल्टी बुनेंगे। दस सिलाई हमारी हो चुकी है, दो सिलाई अभी हम सादी बनाएंगे, बारह सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम ये डिजाइन पहली सिलाई से आप रिपीट करेंगे इसको। इसमें हमें कोई जाली भी नहीं बनानी है और कोई फंदा केबल का भी नहीं बनाना है। ये देखिए ये सीधी सिलाई बना दी, एक उल्टी सिलाई बनाएंगे और ये डिजाइन यहां से रिपीट करेंगे। फिर आप देखिए इसी तरह से हमें इसको रिपीट करते जाना है। ये एक यहाँ से यहाँ तक ये डिजाइन 12 सिलाई में पूरा होगा। 12 सिलाई के बाद ये फिर से वही रिपीट होगा। इसको आप बार बार इसी तरह से रिपीट करते जाएं। ये देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।